दोस्तों आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल KTM की ड्यूक 250 ब्लू एंड ब्लैक कलर, जो कि 2024 मॉडल की न्यू कलर है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल KTM ड्यूक 250 में क्या क्या अपडेट मिलती है, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माली मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक से जुड़ी सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे KTM ड्यूक 250 में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो इसमें फीचर्स मिलती है, जैसा कि इसमें आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, स्लीपर क्लच दिया गया है, LED हेडलाइट सेटअप मिलती है, LED डैश दिया गया है, स्विचेबल ABS का आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्विक सीटर इसमें दिया गया है, LC4C आपके यहाँ पर इंजन मिली है और आपको इसमें फ्रंट में USD फोक सस्पेंशन मिलती है, रियर में आपको यहाँ पर मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको मिल जाती है और इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है 5 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं KTM ड्यूक 250 में। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आपको इस बाइक में मिल जाती है। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक है कुछ ऐसा निकल जाती है, बाइक काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, ब्लू कलर मिल जाती है और जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है LED हेडलाइट सेटअप मिल जाती है, इस तरह से ऑन होती दिखती है। तो मैं इसे ऑन करके दिखा दूँ, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है, काफ़ी अच्छा थ्रो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो टर्न इंडिकेटर आपको मिलती है LED टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाती है इस बाइक में। अब सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिली है WPFS टाइप का आपको सस्पेंशन मिल जाती है, USD फोक सस्पेंशन दिया गया है और 43mm डायमीटर का आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिलती है। तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको इस बाइक में मिलती है, काफ़ी बेहतरीन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है और फेंडर जो मिलती है बॉडी कलर में आपको मिल जाती है, जैसे कि बाइक कलर है। और गाइस यहाँ पर आप देखें तो जो व्हील का कलर आपको मिलता है इसमें ऑरेंज कलर की आपको देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है डुअल चैनल ABS साथ यह बाइक आती है। तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक मिली है 320mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, 4 पिस्टन वाले आपको यहाँ पे कैरिपर मिल जाते हैं, रियर में आपको 2 पिस्टन वाले मिलते हैं और व्हील सेट जो आपको मिलती है 17 इंचेस का आपको व्हील सेट मिलती है और टायर जो मिलता है 110/70 और 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर मिलती है। तो इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। और गाइस यहाँ पर देखेंगे तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह निकल के आती है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिल जाती है इसके फेयरिंग्स पे और यहाँ पर डुक की आपको ब्रांडिंग मिली है, 250 की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिली है जो कि ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पर आपको टेक्सचर बना मिलता है जिससे जो इस बाइक को विंड ब्लास्ट से बचाती है और जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखें इस तरह से आपको लेग गार्ड मिल जाते हैं, रेडिएटर आपको मिली है, 250cc का आपके यहाँ पे इंजन मिली है, यहाँ पे आप देखें तो LC4C यहाँ पे इंजन मिला है। एग्जास्ट की बात करें तो इस तरह से आपके यहाँ पे एग्जास्ट मिल जाती है जो कि अंडर बेली एग्जास्ट दिया गया है और फुटपैस आपको अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मिल जाती है, इस तरह से आपको चासी मिल जाती है और ए पैनल जो आपको मिलता है फुली मेटल बॉडी आपके यहाँ पर मिल जाती है इस बाइक में। तो मेटल आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, फाइबर का यूज़ बहुत कम किया गया है इस बाइक में, तो बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात की इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस रियर में आपको सस्पेंशन मिली है WPFS टाइप का, आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको मिलते हैं जिससे आप 10 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको मिलती है जो कि यहाँ पे साइड में आपको मिल जाती है, इस तरह से आपके सिंगार आपको देखने को मिल जाती है। और रियर की बोर्ड बढ़े तो गाइस रियर में आप देखें तो इस तरह से आपको रियर प्रोफाइल निकल के आती है, व्हील भी आपको जो मिलता है 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिल जाती है और जो टायर आपको मिल रहा है 150/60 और 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर मिलती है जो कि रेडियल टायर्स में आपको मिल रही है, इस तरह से इसकी प्रोफाइल निकल के आती है, काफ़ी वाइड टायर दिया गया है। और रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है 220mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 2 पिस्टन वाले कैलिपर आपको रियर में मिल रही है, तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आती है। और गाइस यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से इसकी टेल लाइट आपको मिलती है, LED टेल लाइट आपको मिलती है, टी शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। टर्न इंडिकेटर आपको जो मिली है LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो मिलते हैं स्प्रिंग टाइप के ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और गैस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल जाती है। और फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गैस यहाँ पर देखें तो फ्यूल टैंक पे आपको KTM की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, E20 की ब्रांडिंग मिली है और जो की आपको मिलती है वेव की आपको ऑफर होती है इस बाइक में। और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग लाइट का स्विच, हजार लाइट का फंक्शन, यहाँ पर मेनू का ऑप्शन मिलता है और इससे से आपके यहाँ पर मिरर मिल रही है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इसमें मिरर ऑफर की जाती है KTM ड्यूक 250 में। इससे से आपको यहाँ पर इंजन की स्विच और सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिली है 5 इंच का आपको LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है, डिजिटल क्लॉक आपको मिलती है, डिजिटल टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेशन, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्विचेबल ABS आपको देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स देख सकते हैं, ABS में आएंगे तो आपको यहाँ पर रोड सुपर मोडो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग,
और यहाँ पर बाइक इन्फो में आप देख सकते हैं, बाइक इन्फो आप चेकआउट कर सकते हैं, इंजन टेम्परेचर, रेंज आपको कितना मिली है, बैटरी वोल्टेज आपको शो करेगा, ओडोमीटर, सर्विस आपको करानी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ से बैक आते हैं, बाकी यहाँ पर ट्रिप इन्फो आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑडियो प्लेयर आपको मिल जाती है, लैप टाइमर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऊपर साइड में आपको चेक इंजन लाइट, एबीएस कंडीशन, न्यूट्रल लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इससे आपको जो मीटर कंसोल मिलती है इसमें फुल जिस मीटर कंसोल मिलती है, 5 इंच का इसमें डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अब आते हैं इसकी सीट की तरफ, तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिलती है 800 mm का आपको सीट हाइट मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट दिया गया है, जिससे आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाली है राइडर और प्लेन दोनों के लिए, जिसको लेकर आपको इशू नहीं होने वाली है। जो राइडर सीट है कुछ इस तरह की मिलती है, प्लेन सीट कुछ इस तरह की आपको मिली है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है। अब बात की इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में, तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है 249.07 cc का BS6 Phase 2 लिक्विड कूल आपके यहाँ पर इंजन मिल जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है। 13.57 bhp का आपको पावर मिलती है एट 9250 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 25 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलेगी एट 7250 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जो इसमें आपको गियर बॉक्स मिली है 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, और ओपन चेन ड्राइव सिस्टम मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखें 5.5 इस तरह से मिल रही है। अब बात की इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो कर्वेट आपको मिलता है 142 kg इसका कर्वेट मिल जाता है। सीट हाइट आपको मिलती है 800 mm का सीट हाइट दिया गया है, और इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है इस बाइक में 176 mm का आपको इसमें ग्राउंड केस मिल जाती है। अब बात की इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 2,50,000 से 2,87,000 के बीच में यह बाइक कम्प्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप KTM शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात की इसकी माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 35-40 km/h की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी, जो काफ़ी बड़ी बात है। सो गाइस, ये रहा KTM ड्यूक 250 ब्लू एंड ब्लैक 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो किसी लिए गए बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।